क्वेश्चन देखिए कि डेली हमारे पास एक प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम है हमारे वायरिंग से रिलेटेड, नंबर दो ईसीएम से रिलेटेड, नंबर तीन सेंसर से रिलेटेड। ये हमारे पास एक डेली समस्या आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो मल्टीमीटर के ऊपर वोल्टेज आ रही है, मैं एक सेंसर की वोल्टेज दिखा रहा हूँ। ये तीन वायर का सेंसर है जिसमें एक बॉडी ग्राउंड है, एक रेफरेंस वोल्टेज है और दूसरी सिग्नल सिग्नल वायर है। यहाँ पे देखिए कितनी वोल्टेज आ रही है। यहाँ पे क्या होता है, जब आप फ्यूचर में अपनी वर्कशॉप में काम करोगे या ईसीएम रिपेयर करोगे या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आएगी या कोई फॉल्ट कोड आएगा, ठीक है, उस समय एक इलेक्ट्रिकल बहुत ही बड़ी समस्या आती है। मैंने यहाँ पे दिखाया कि कितनी वोल्टेज है यहाँ पे, ये देखिए वोल्टेज दिखा रहा हूं मैं, 5। ये 5 वोल्टेज है। यहाँ देखिए, अगर ये 5 वोल्टेज, ये देखिए, अगर ये 5 वोल्टेज ग्राउंड के साथ टच हो जाए तो क्या होगा, इंजन वायर में वायरिंग में फॉल्ट पड़ेगा, ईसीएम फॉल्टी हो जाएगा या सेंसर शॉर्ट हो जाएगा। इसके स्टेप्स हैं, क्या सिग्नल वायर हीट हो जाएगी, एक ये क्वेश्चन है जिसको आज हमने सॉल्व करना है। क्या सिग्नल वायर बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, क्या ईसीएम फॉल्टी हो जाएगा, सेंसर फॉल्टी हो जाएगा। ये 4 ऑप्शंस हैं। यदि हमारी पॉजिटिव वायर, इसमें देखिए पॉजिटिव है, इसमें बॉडी ग्राउंड है, यहाँ पे देखिए ये कितनी वोल्टेज है, 5 वोल्टेज है, ये है हमारी बॉडी ग्राउंड। अगर मैं इन दोनों को आपस में टच कर देता हूँ तो ये क्वेश्चंस हमारे जो हैं, क्या सिग्नल वायर हीट हो जाएगी, क्या सिग्नल वायर बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, क्या ईसीएम फॉल्टी हो जाएगा, सेंसर फॉल्टी हो जाएगा, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। अब मैं देखो यहाँ पे लगा कर रखता हूँ 5 वोल्ट पे और इसको बॉडी ग्राउंड को आपस में टच कर देता हूँ, वहां कितनी वोल्टेज हो गई, जीरो। क्या अब मेरी वायर गर्म हो जाएगी, ईसीएम में फॉल्ट पड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा, ना सेंसर फॉल्टी होगा, ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ गई, कुछ भी नहीं होगा। आपके पास डेली ये केस आएगा। केस क्या आएगा कि जो वोल्टेज आनी चाहिए थी सेंसर की वायरिंग में, 4.9 या 5 वोल्ट आनी चाहिए थी, ये क्या आ रही है, जीरो जीरो आ रही है। तो होता क्या है, ये वोल्टेज जीरो आने का कारण क्या है कि हमारी वायर किससे शॉर्ट हो गई, बॉडी बॉडी ग्राउंड से। बॉडी ग्राउंड के साथ हमारी वायर शॉर्ट हो गई, जिसके कारण बॉडी ग्राउंड में क्या है, -12 एम्पियर कितने हैं इसके अंदर, 60 जितनी बैटरी है, इसमें कितने एम्पियर हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ 1 एम्पियर। अब इसका प्रभाव, जो बॉडी ग्राउंड का प्रभाव है जिसमें 65 एम्पियर है, ये किसको दबा देंगे, एक एम्पियर को, तो यहाँ कितनी वोल्टेज हो जाएगी, और ये जो हमारी ईसीएम के अंदर आईसी से कनेक्ट है, तो आईसी क्या चला जाता है, प्रोटेक्शन पे चला जाता है, ना तो आईसी फॉल्टी हुआ, मतलब ईसीएम फॉल्टी हुआ प्रोटेक्शन में जाने के बाद, ना वायरिंग में आपकी फॉल्ट पड़ा, और आगे जो सेंसर लगा हुआ है ना वो सेंसर फॉल्टी हुआ। ये देखो, ना तो ये हमारा सेंसर फॉल्टी हुआ, ना हमारी वायरिंग में कोई इफेक्ट पड़ा, और ना हमारा कोई ईसीएम फॉल्टी हुआ, जैसे ये फॉल्टी, ये ईसीएम लगा हुआ है। तो आपके पास जब भी आपको लगे कि किसी सेंसर में 3 वायर हैं, एक वायर में बॉडी ग्राउंड आना चाहिए, एक वायर में 4.9 वोल्टेज आएगी, एक वायर में कितनी आएगी, अगर ये वोल्टेज आपको जीरो हो जाए तो इसका क्या मतलब होगा कि ये वायर क्या हो गई, बॉडी ग्राउंड से क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। इसलिए ये शॉर्ट होने का कारण मैं आपको यहाँ पे लिख कर दे देता हूं। पहला कारण
ये वोल्टेज जीरो होने का पहला कारण सेंसर फॉल्टी, दूसरा कारण वायरिंग शॉर्ट, तीसरा कारण अब ईसीएम में फॉल्ट हो सकता है। सबसे पहले आपको सेंसर चेक करना है, सेंसर शॉर्ट हो जाएगा। दूसरा कारण वायरिंग जो हमारी है, ये देखो मैं फिर दिखा देता हूँ, ये हमारी वायरिंग है, ये किसके साथ शॉर्ट हो गई, बॉडी ग्राउंड के साथ। ये ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, इसको मैं हटा दूंगा तो यहाँ कितनी आ जाएगी, यदि हम लोग इसको आपस में मैच कर देंगे तो जीरो, ठीक है जी। यहाँ पांच थी, ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस तरह ये यदि वायर हमारी बॉडी से टच हो गई तो वहां पे कितनी वोल्टेज हो जाएगी, ये कितनी वोल्टेज है, यदि मैं इसको इंजन से टच कर दूंगा तो कितनी हो गई, हटा दूंगा तो कितनी आ गई, टच कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। तो ये वायरिंग आपको प्रॉपर चेक करनी पड़ेगी, यदि वायरिंग में दिक्कत है, बॉडी इंजन के साथ वायर टच हो गई तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज जीरो। तो ये केस आपके पास दिन भी आएंगे, इस तरह आपको काम करना है। ये पार्ट वन किताब है, इसके अंदर इसी तरह के बहुत से पॉइंट्स बताए गए हैं जो वायरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में देखे जाते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे 5 वोल्ट बूस्ट प्रेशर में 0 वोल्टेज आ रही है, ये फॉल्ट सेंसर में है, वायरिंग में है, ईसीएम में है। इस किताब में आपको फोटो में दिखाया गया है काम करके, तो इसको आप जब प्रैक्टिकल करते हो तो इस किताब को रीड करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।